हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी में सन 2016 में एक पेपर हुआ था आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक का। इसका हम जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हम आज यहाँ पे करते हैं। और आज हम यहाँ पे जो है हिंदी वाला पार्ट जो है वो हिंदी वाला पार्ट नहीं करेंगे, हम सीधा जीके जीएस वाला जो है उस पार्ट पे हम चलते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका शुरू होता है यहाँ से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होगा नीदरलैंड में है, द हेग में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका वहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? इकोलॉजी डील्स विद, ओके, तो इकोलॉजी जो है वो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी प्राणी और पर्यावरण से, आपके प्राणी और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ये उस समय का आपका करंट अफेयर का होगा, तो इसका तो वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे है? दर्रे आपको याद करने होंगे, दर्रों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, जो पर्वतों पहाड़ों के बीच में जो संकरे आपके मार्ग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आपका दर्रा बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नीति माणा लिपुलेख आपका दर्रा, बहुत सारे दर्रे आपके यहाँ पे होंगे, ओके। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम आपका कोलंबिया था। क्या था? ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद, ठीक है, दो होते हैं, एक द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद यानी जो है वो किसके द्वारा आपका दिया गया है? वो शंकराचार्य के द्वारा जो है, शंकराचार्य के द्वारा आपका दिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है सच्चर समिति, बहुत बार आपने राजनेताओं को ये कहते हुए सुना होगा सच्चर समिति के बारे में। तो जो सच्चर समिति है ये आपकी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के विषय के लिए आपका है सच्चर समिति, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, गोभी का मरुस्थल, ठीक है, गोभी का मरुस्थल आपका कहाँ पे है? ये मरुस्थल जो है ये आपका मंगोलिया में है। कहाँ पे है? गोभी का जो मरुस्थल है ये आपका मंगोलिया में है। हमारे यहाँ पे कौन सा है? आप बताएंगे राजस्थान के पास जो आपका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, आत्मा ATMA, आत्मा स्कीम जो है वो आपका किससे संबंधित है? ये कृषकों से संबंधित है, कृषकों को नई कृषि तकनीक और जानकारी प्रदान करने के लिए आपका है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, खुदीराम बोस को कहां फांसी दी गई थी? ओके, खुदीराम बोस जी को आपका जो है मुजफ्फरपुर, कहां पे? मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, उस समय का आप देखिए 2016 में आपसे 4 साल बाद का पूछा गया, तो ये जो आपका है ये कहां पे है? आपका 2020, हालांकि अब 2021 में आपके हुए थे कोरोना की वजह से। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका टोक्यो, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, ओम्बुड्समैन संस्था का उदय कहाँ पे हुआ था? इस संस्था का उदय जो हुआ था वो आपका स्वीडन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो भूमि बंदोबस्त जो है सरकारी स्तर पर जमीनी पैमाइश से है। भूमि बंदोबस्त कहते हैं इसको है, आपने अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सॉरी, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड आप टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, जरूर वहां से क्वेश्चन आपका बन के आता है। मेजरमेंट ऑफ लैंड एज पर गवर्नमेंट स्केल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सीएनजी का मुख्य घटक है, सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन है, ठीक है, लेकिन आपके घरों में जो एलपीजी आती है, एलपीजी में आपका क्या आता है? एलपीजी में आपकी ब्यूटेन आती है, ओके, लेकिन सीएनजी जो है सीएनजी में आपकी मीथेन आती है, मीथेन आपका क्या होता है? CH4, क्या है? CH4। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य में अपेंडिक्स में निम्न में महत्व है, इसका क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक परिशेषिका तंत्र अंग है, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, पाचन क्रिया कहां पे होती है? पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है भाई? पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होती है, कहां से शुरू होगी? मुंह से शुरू होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 56, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है, किस में लिखी गई है? हिंदी भाषा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम नरेंद्र दत्त, ओके, नरेंद्रनाथ दत्त जो है वो आपका स्वामी विवेकानंद का आपका पूर्व का नाम है। क्वेश्चन नंबर 60, इंदिरा गांधी इग्नू, ओके, इग्नू की स्थापना आपकी कब हुई थी? इग्नू की स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी, कब हुई थी? 1985 में। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पौड़ी गढ़वाल के हैं आपके अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, वो आपके IPS रहे हुए हैं, पूरे आपको डिटेल में आप देखना है हमारी अदर वीडियोज हैं वो देख लीजिएगा। डोभाल जी इसका सही उत्तर है। 2016 ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं।
मेक इन इंडिया को कब प्रारंभ किया गया? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो यह है 25 सितंबर 2014 को। कब है? ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014। उसके बाद लीमा किसकी राजधानी है? पेरू की। किसकी है? पेरू की राजधानी है। रेड क्लिफ लाइन किस किसके बीच में है? रेड क्लिफ लाइन है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा किसने बनाया है? ये पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, आसन नदी आप सभी को पता होगा, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल आपके कहाँ पे है? ये आपके काशीपुर में है। कहाँ पे है? काशीपुर में। जगत राम वर्मा आपका किससे संबंधित है? जगत राम वर्मा जो है वो जौनसारी लोक संगीत से आपका संबंधित है। किससे है? जौनसारी लोक संगीत से। क्वेश्चन नंबर 70, न्योली किस प्रकार का गीत है? न्योली एक आपका बिरह का गीत है। कौन सा है? बिरह का गीत है। ओके, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 71 से लेकर 100 तक के जो 30 रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, तो आप यहाँ पे पढ़ते रहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारी क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।